अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइल कॉर्नर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप लोग बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारे से प्रिंट्स के साथ मेरी ड्रेसेस देख रहे हैं। स्कैटर ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत प्यारे प्यारे से प्रिंट्स हैं, बहुत प्यारे से कम्बिनेशन हैं और बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, डिफरेंट टाइप्स के नेक डिज़ाइन, डिफरेंट टाइप्स के स्लीव डिज़ाइन, डिफरेंट टाइप्स के ड्रेस डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्लोरल प्रिंट आप लोग देख रहे हैं, डिफरेंट प्रिंट आप लोग देख रहे हैं। बेल्ट डिटेलिंग भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। फ्रिल के साथ, रफल के साथ भी डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। गैथर्ड के साथ भी देख रहे हैं, बॉक्स प्लेट के साथ भी आप लोग डिज़ाइन देख रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, पैटर्न ड्रेसेस भी हैं, स्कर्ट ड्रेसेस भी हैं, डिफरेंट फैब्रिक के साथ आप लोग ये ड्रेसेस देख रहे हैं, शिफॉन के साथ। इसके अलावा आप लोग लिनन के साथ भी डिज़ाइन देख रहे हैं इस वीडियो में। ज़्यादातर शिफॉन में मैं आपको दिखा रही हूँ। कैजुअल वेयर ड्रेसेस भी हैं, पार्टी वेयर ड्रेसेस भी हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें व्यूअर्स, नेक डिज़ाइंस हैं बहुत प्यारे से, ज़्यादातर फुल स्लीव्स के साथ आप लोग डिज़ाइंस देख रहे हैं, ड्रेस देख रहे हैं, आइडियाज़ देख रहे हैं। आप लोग चाहें तो किसी भी तरह के फैब्रिक के साथ ये डिज़ाइन बना सकते हैं। स्टिचिंग अगर आती है तो बहुत ही सिंपल से ड्रेसेस हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एक बार फिर कहूँगी कि अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।